गणेश जी महाराज को नमन करता हूं और बाबू संवर के लिए, हितों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले माननीय प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी के साथ में विराजमान 10 शूरवीरों को नमन करता हूं और आप लोगों से सबसे आग्रह करता हूं साथियों, एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका अभिनंदन करें। साथियों, आज हमारे महापड़ाव को 34 दिन हो गए हैं और 34 दिन में जो सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख अपनाया जाना था वो सरकार ने नहीं अपनाया। साथियों, क्या आपको लगता है आज तक जो हम कहते आए हैं कि एक संवेदनशील सरकार है, ये मुख्यमंत्री जननायक है, बहुत संवेदनशील है, क्या आप लोगों को लगता है ये सरकार संवेदनशील है? मैं जो लोग इस महापड़ाव में आज तक उपस्थित नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि हमने उनसे बहुत 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 बार आग्रह कर लिया और कितनी बार इस मंच के माध्यम से अलग अलग तमगों से उनको नवाजा गया, लेकिन आज भी वो अपने घर में बैठे हुए हैं। साथियों, मैं उनसे कहता हूं, कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अरे बहन के मामों, अरे बहन के मामों, क्या समझ रखा है तुमने? यहाँ जो बाबू बैठा हुआ है वो बेवकूफ है क्या जो तुम्हें बुला रहा है बार बार कि कोई जरूरत नहीं है अब आने की? और आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, जो करना है हमें ही करना है और हम ही करेंगे करेंगे। बाबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में संवेदनशील होते तो आज तक ये बाबू 47 डिग्री की टेम्परेचर की गर्मी में यहाँ महापड़ाव में बैठा नहीं होता। साथियों, हमने जो आपको सोचा वैसे आप निकले नहीं माननीय। जिस उम्मीद से और जिस आशा के साथ हम यहाँ आए थे वो आशा और उम्मीद आपने पूरी नहीं की हमारी, और आज भी समय है, आपके पास वक्त है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आ जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका देना और ना देना बराबर हो जाए। साथी, एक समय होता है, एक सीमा होती है, वो सीमा अब टूटती जा रही है। आपने हमारे मुखिया को, बाबू संवर्ग के मुखिया को आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, इससे ज्यादा क्या होगा? साथी, आप आते हमारे बीच में, आते आपके प्रतिनिधि को भेजते, हमारी सुध लेते तो हम मानते कि वास्तव में आपकी सरकार एक संवेदनशील सरकार है और वास्तव में आप एक जननायक मुख्यमंत्री है माननीय अशोक जी गहलोत। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। अगर हमारे मां मुखिया या मंच में जो आज आमरण अनशन कर रहे हैं इनका, इनको चक्कर भी आए ना साथियों, चक्कर भी, तो राजस्थान का बाबू जयपुर की सड़कों पे जल जला लेके आ जाएगा साथियों, और आपसे संभलेगा नहीं माननीय। मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बाबू ने ठान लिया है कि अब जाएगा तो कुछ लेके ही जाएगा। साथियों,
लेके जाएंगे ना साथियों, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है आशियाना, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, जय संगठन। धन्यवाद विवेक जी।